खुश होंगी। तो आज के आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है नज़र आ रही होंगी। तो एक्चुअल में इनका एम ये था कि आई जस्ट थॉट के थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए, और मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूँगी कि किस स्किन के हवाले से क्या चीज़ बेस्ट रहती है। क्योंकि पाकिस्तान में एक डिलेमा है हम लोगों का कि यहाँ ना स्किन केयर की नॉलेज नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, जो भी ऑयली कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन, तीनों के फेस वॉशेज अलग होते हैं। बट मैंने यूजुअली ये देखा है, ख़ासतौर पे कोई अनप्रिविलेज्ड एरिया होता है जहाँ अवेयरनेस नहीं होती, यूजुअली फेस वॉश यूज़ भी नहीं करते, सोप वगैरह यूज़ करते हैं। एक तो सोप आपके पोर्स क्लॉग करते हैं, तो आई वुड नॉट प्रेफर कि आप सोप यूज़ करें। और रही बात फेस वॉशेज की, ऑयली स्किन की जब हम बात करते हैं ना, ऑयली स्किन का सबसे बड़ा इशू ये होता है, स्पेशली मेरी बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, इवन विंटर्स में भी बहुत ऑयल आता है, तो ऑयली स्किन के पोर्स बड़े साइज के होते हैं। सो उनको कभी भी ना फॉर्म वाले फेस वॉशेज यूज नहीं करने चाहिए। जैसे पॉन्ड्स के हैं वो फॉर्म वाले फेस वॉश, उन्हें हमेशा जेल वाले फेस वॉश यूज़ करने चाहिए, क्योंकि फॉर्म वाले फेस वॉश जो है पोर्स क्लॉग करते हैं। क्योंकि जो फॉर्म वाले फेस वॉश होते हैं वो पोर्स को क्लॉग करते हैं, पोर्स क्लॉग होते हैं तो पिंपल्स निकलते हैं। अभी ऐसा हुआ था कि मैं एक कज़िन के यहाँ गई और मैं अपना फेस वॉश ले जाना भूल गई हूँ, वहाँ मुझे यूज़ करना पड़ा फॉर्मिंग फेस वॉश, तो उसकी वजह से भी जो मेरे नोज़ एरिया है ना एक्सट्रीमली ऑयली और मेरे पिंपल्स निकल आए, क्योंकि वो मेरे स्किन के लिए सूटेबल नहीं था। और हम लोग यही गलतियाँ करते हैं कि हम बस ये देखें, वाइटनिंग फेस वॉश है, वाइटनिंग फेस वॉश फॉर्म में है, जेल में है, हम वो ये चीज़ नहीं देखते, और फिर हम कहते हैं हमारे मसाइल हो रहे हैं। और जेल फेस वॉश काफ़ी ब्रांड्स के हैं, बट मैं क्लीन एंड क्लियर का बहुत ही लाइट फेस वॉश है फॉर ऑयली स्किन, ये क्लीन एंड क्लियर का बहुत ज़बरदस्त सा फेस वॉश है, रीजनेबल प्राइस है, अफोर्डेबल है और ईजीली अवेलेबल है। अच्छा, ये कोई ब्रांड रिकमेंडेशन या कोई ब्रांड पब्लिसिटी के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही, मैं पर्सनली अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन मेरी ये है कि मैं फेस वॉश करती हूँ क्लीन एंड क्लियर के फेस वॉश से, ठीक है, या फिर जब मैं ये डॉक्टर रशील का एलोवेरा क्लींजिंग मूव है मैं वो भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। कभी ऐसा होता है ना मूड नहीं होता, ये आप दोनों कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं कि पहले आप फेस वॉश यूज़ कर लें देन इसका मूव यूज़ कर लें। और मेकअप रिमूविंग के लिए आई वुड प्रेफर कि आप जो हैं अच्छा मेकअप उसका रिमूविंग का रिमूवल का याद आया, हम लोगों के यहाँ एक गलती और की जाती है मेकअप रिमूवल की, जब हम बात करते हैं ना तो एक तो मोस्टली लेडीज़ क्या करती हैं, शादी पे ऐसा इतनी थकी हुई हल्का सा पानी मारा और सो गई, या मेकअप यूजुअली ऐसा होता है नहीं भी धोती हैं, और अगर धोती हैं तो डायरेक्ट फेस वॉश, कभी भी नहीं करना हमें फेस वॉश, वो सारा मेकअप आपकी स्किन में जर्क हो जाएगा, पोर्स क्लॉग, और जब पोर्स क्लॉग हो जाते हैं ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट लगती है। तो हमेशा पहले अपने मेकअप को आप रिमूव करेंगे किसी भी अच्छे मेकअप रिमूवर से, जैसे मैं यूज़ करती हूँ बी क्यूट का माइसीलर वाटर जीरो, इसकी प्राइस 500 आएगी, तो बहुत अच्छा है ये माइसीलर वाटर। इससे पहले हम लोग गार्नियर का यूज़ करते थे, बट जो फिर वो फ्रेंच ब्रांड है तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बाद ऑब्वियसली कोई भी मुस्लिम उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा माइसीलर वाटर है हमेशा। अच्छा, माइसीलर वाटर जो है आप कॉटन बड से मेकअप रिमूव किया करें, ठीक है, फिर फेस वॉश यूज़ करें, डायरेक्ट मेकअप पे कभी भी आपने फेस वॉश नहीं करना। फेस वॉश से मुझे याद आया, फेस वॉश जब हम करते हैं ना कभी भी टावल यूज़ नहीं कीजिएगा, आई वुड प्रेफर आप टावल यूज़ नहीं करें, क्योंकि टावल जो है ना आपके स्किन को बहुत रफ कर देता है। हमेशा मेकअप नहीं, वैसे भी आप मॉर्निंग फेस वॉश भी करते हैं ना तो किस कोई मैं अच्छा टिश्यू का मैं जस्ट दिखाने के लिए रखा है, आप कोई भी टिश्यू पेपर से हमेशा अपने फेस को क्लीन करेंगे, कभी भी आपने टावल फेस पे यूज़ नहीं करना, चाहे कितना भी हो आपकी स्किन डैमेज होगी, आपको अभी साइड इफेक्ट इसके नज़र नहीं आ रहे लेकिन बाद में इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, फेस वॉश कर लिया मैंने, मूव कर लिया, देन हम ठीक है फेस वॉश कर लिया, फेस क्लीन कर लिया, देन मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का टोनर, लाइटनिंग टोनर, बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, पोर्स क्लॉग ये भी नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। देन एक ना हम लोगों की एक मिस्टेक है, अच्छा हम लोगों के ना एक बहुत बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है कि ना हम समझते हैं ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की यूज़ नीड नहीं होती, और स्पेशली पाकिस्तान में
मोस्टली मैं इतना ख्वार हुई हूँ ना, आप यकीन करें, लाइट वेट मॉइस्चराइजर के लिए जो ब्रांड्स की मुझे चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में ऑयल स्किन वाले लोग मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते. ऑयल और मॉइस्चर डिफरेंट थिंग है, मॉइस्चराइजर की नीड हर स्किन टाइप को होती है. तो ये बहुत रीज़नेबल है. डॉक्टर रशील का 750 इसके प्राइस है. मैंने इनकी ऑफिशियल साइट से मंगवाया था. बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर, आप समर में भी यूज़ करेंगे, आपके ऑयल नहीं आएगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और रीज़नेबल प्राइस है. मैंने और ब्रांड्स के देखे थे तो वो अफोर्डेबिलिटी कुछ बाहर हो जाती है, लाइक 5000 और 6000 और ओले वालों के प्रोडक्ट्स थे तो वो थोड़ी अफोर्डेबिलिटी. अच्छा, ये कर लिया. देन यूज़ करती हूँ मैं लिप्स पे जॉनसन्स बेबी क्रीम, और इसके अलावा हैंड एंड फीट पे अगर विंटर है मैं वैसलीन ब्लू सील, ये जेली है पेट्रोलियम जेल, ये यूज़ करती हूँ. और इन समर्स में यूज़ करती हूँ, ये सईद गनी की है फुट एंड हैंड क्रीम, वाइटनिंग क्रीम है, ये बहुत अच्छी है, आप डे में यूज़ करें. और इसके अलावा अगर आपके हाथ और पाँव बहुत डार्क हो रहे हैं ना, मैं वैसे फार्मूला क्रीम्स यूज़ नहीं करती, ये एज अ ब्लीचिंग क्रीम है, स्किन ब्लीच क्रीम है, तो आप रात में सोते हुए लगाएं, आपका जो हिस्सा डार्क हो रहा है हाथ और पाँव का तो स्किन को वाइट कर देती है. और मैंने आपको लिप्स का बता दिया, हैंड एंड फीट का. अच्छा, वीक में ना एक और कॉन्सेप्ट है कि उपटन में लड़कियों को यूज़ नहीं करनी चाहिए. नहीं, उपटन में कहूँगी जो हमारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ना, वैसे आप उपटन लोकल भी ले सकते हैं, बट मैं ये सही जानी की उपटन लेती हूँ, रीजनेबल भी है. 250 की थी आई गेस, 180 की. तो या वीक में वाटर में मिला के यूज़ करें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मिल्क में यूज़ करें, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर वाटर बेस्ड ये यूज़ कर सकते हैं आप. ओके, अच्छा, मैं ना बाहर निकलती हूँ ना तो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करती हूँ, चाहे विंटर्स हों समर हों. ये इसके SPF है आई गेस, ये भी फॉर ऑयली स्किन है. SPF कराची की SPF ज़्यादा होती है आई गेस, कराची की धूप भी बड़ी डेंजरस है यार. वैसे आई गेस SPF 60+ है, ये यूज़ करती हूँ मैं. ओके जी, अब और ये आई क्रीम है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ. पता है हम लोग आई का जो हिस्सा होता है उसे रेकमेंड नहीं करते, बहुत निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं ना, तो आई में जो रिंकल्स पड़ते हैं ना वो आई को इग्नोर, आई के ये जो हिस्सा होता है ना बहुत डेलिकेट स्किन होती है, तो इसको होना चाहिए. अगर आपके सन टेन स्किन हो जाती है तो ये हेल्दी वाइट यू लाइटनिंग लोशन आप लगा के हमेशा धूप में निकलें, बहुत अच्छा है, ये भी यूज़ करें. वीकेंड में स्क्रब, ये डर्माकॉस का मैं यूज़ करती हूँ स्क्रब, बहुत अच्छा है. वीक में सॉरी मंथ में 2-3 बार कर लें, इतना मतलब ज़्यादा नहीं, मैं खुद भी इतना इसको स्क्रब को यूज़ नहीं करती, आप ये यूज़ करें. ओके, और ये है हाइड्रेटिंग हमारे प्लस क्लेंज़र, ये क्लेंज़र भी मैं यूज़ करती हूँ वीक में कभी कभार. अब मैं नाइट केयर रूटीन आपको स्टार्ट करवाती हूँ. अच्छा, एक और चीज़, मैं एक और क्लेंज़र भी यूज़ करती हूँ, ये डॉक्टर रशील का विटामिन सी का. विटामिन सी मैं स्किन के लिए बहुत प्रेफर करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए. अर्ली 20s आप ये प्रोडक्ट विटामिन सी वाले प्रोडक्ट चाहे किसी भी ब्रांड की यूज़ करें वो आप लाजमी यूज़ करें, ठीक है जी. एक और चीज़, ब्लैक हेड्स हैं, ये गार्नियर का स्किन एक्टिव प्योर चारकोल मास्क, ये मैंने ये 3-in-1 है, एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं आप, एज अ मास्क भी और एज अ स्क्रब भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं. इसमें ना पार्टिकल्स होते हैं तो वो आपको जो है वो कर देते हैं. चारकोल मास्क भी है हम लोगों के पास, मैं वो भी यूज़ करती हूँ. और एक सबसे ईजी तरीका, ये बहुत ही ईजी तरीका है, ये किसी भी ब्रांड की आप ब्लैक हेड स्ट्रिप आती हैं, आप अपनी नोज़ को किसी वार्म टावल से, किसी गर्म टावल से, जैसे आपने गर्म पानी में भिगोया, थोड़ी देर नोज़ पे इससे मसाज करें, देन ये स्ट्रिप्स दूसरे साइड से चिपका लें और आई गेस 15 मिनट्स बाद आप जब इसको मतलब निकालेंगे ना, आपके ब्लैक हेड्स ईजिली रिमूव हो जाएंगे. ये थी जी, अब हम बता दें मैं नाइट केयर रूटीन में मैं ये यूज़ करती हूँ. सबसे पहले फेस वॉश, देन मैं यूज़ करती हूँ ये भी विटामिन सी नाइट क्रीम है डॉक्टर रशील की, राइट. और उसके अलावा है हमारे पास ये फेस सीरम, ये भी विटामिन सी डॉक्टर रशील का फेस सीरम है. देन मैं यूज़ करती हूँ आई क्रीम, आई क्रीम बहुत ज़रूरी है. और आई सीरम है आलमंड ऑयल, जी मैंने इसकी बॉटल चेंज कर दिया, आलमंड ऑयल भी यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि पता है आई वाले हिस्से को बड़ी हमारी केयर की ज़रूरत होती है.
कोकोनट ऑयल फॉर हैंड एंड फीट आप लगाएं, ये सही धनी का है, आप किसी भी ब्रांड का कोकोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल है, आप वीक में एक आध बार फेस पर एलोवेरा जेल बहुत इसेंशियल है। ऐसा प्राइमर तो ऑब्वियसली मेकअप के लिए बेस्ट है फॉर ऑयल स्किन। एंड उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही थी जी, क्या था हमारे पास, ये मेरा आलमंड ऑयल है, जिनके डार्क सर्कल्स हैं वो यूज़ करें। रोज़ वाटर है, यानी अर्के गुलाब है, आप इसके साथ लेमन और अर्के गुलाब का एक मास्क टाइप का बनाएं और रात को आप इसमें लेमन, ग्लिसरीन, अर्के गुलाब ये मिला के लगाएं, सुबह आपकी बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके हाथ होगा रंग काला हो रहा है आपको ना। मैं एक आई लैशेज के लिए बहुत अच्छा ना एक ये कह रहे हैं आप आई लैशेज के लिए मैं मास्क टाइप का कुछ ऐसा बताऊंगी, बहुत अच्छा आई लैशेज ग्रोथ के लिए पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। कैस्टर ऑयल बहुत बेस्ट है, आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बॉडी लोशन वैसलीन इंटेंसिव डीप केयर। आप बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन एंड फेस लोशन में बहुत डिफरेंस होता है फेस की, तो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में मैं यूज़ करती हूँ ये एलोवेरा सूथ मॉइस्चराइजर एसेंस स्प्रे। भाई आप पता है क्या इसका यूज़ किया है, आप ना कहीं धूप में से आएँ, गर्मी में से आएँ, तो ये मैंने एक्चुअल में मंगवाया था डायरेक्ट डॉक्टर रशील के ही ब्रांड से, तो आई गेस 800-900 का था ये। आप यूज़ करें एज अ स्प्रे, इसके ना देखें, ये देखें एज अ स्प्रे है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत पसंद। आप धूप में गर्मी से कहीं आएँ, थोड़ा रेस्ट स्किन को देने के बाद आप यूज़ करें और फेस पे इसका स्प्रे कर लें, ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन को सूथिंग। वैसलीन हैवी यूवी लाइट विद विटामिन B3 ट्रिपल सनस्क्रीन रिस्टोर्स मॉइस्चर फेयर स्किन। आप ऑब्वियसली ये लगाएं इन समर्स, तो आपको एज अ सनस्क्रीन भी काम करेगा, अगर आपकी स्किन टेन हो गई है तो उसके लिए भी यूज़ होगा। तो जनाब ये थी हमारी स्किन केयर रूटीन, और मैं बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ बताने की हैं नेक्स्ट व्लॉग में वो शेयर करेंगे। एक और चीज़ मेरी रह गई है, ये टिशू मास्क है, मैंने अपने लिए इनकी वेबसाइट से बनाया था, द गैलरी की वेबसाइट से, और अब ये ऑफिशियली ये जिस ब्रांड का है मैं नेम यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने काफ़ी पहले मंगवाया था। अब बहुत से ब्रांड के आप टिश्यू मास्क आ रहे हैं, हाइड्रा मास्क आ रहे हैं, ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छी है, मेरा लेमन वाला था ये मास्क, तो ये भी यूज़ करें। और ये थी आज की स्किन केयर रूटीन, होपफुली आपको कुछ गाइडेंस ऑयल स्किन वालों के लिए बहुत यूज़फुल होगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।